शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला फंस गया है। केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल की जमानत का मामला क्यों फंस गया। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी, जिस पर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 दिनों तक आदेश सुरक्षित रखा है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया। जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता। बता दें कि दलीलों के दौरान एसवी राजू ने कहा कि आदेश पारित होने के बाद हमने ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए निचली अदालत से 48 घंटे के लिए स्थगन का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से मामले पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई, मुझे लिखित जवाब देने के लिए 2 से 3 दिनों का उचित समय नहीं दिया गया, ये गलत है। मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म कीजिए, क्योंकि वह फैसला सुनाना चाहती है। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूँ।